तो गाइस आज हम अपने यहाँ खेतों में आए हैं और आपको हम दिखाते हैं जो बंसूरा होते हैं। बंसूरा के नाम सुने होंगे, जो मतलब सुअर होते हैं। रात में वो आते हैं और फिर इसके बाद पूरा खेत को सत्यानाश करके चला जाता है। तो दिखाते हैं हम आपको हमारा खेत में आज कितना नुकसान किए हैं बाल की खेती। मतलब ये देख सकते हैं जो नज़दीक खेतों में हम खड़े हुए हैं। अभी घर से जस्ट आए तो कल शाम को तक कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज जो है आते ही सुबह में जब आए यहाँ पे धान का बिया उपारने हम तो आए थे, लेकिन जब देखे यहाँ पे बाल के तो वहाँ पे मतलब स्टार्टिंग खेत में ही थे। तो भी एक दो बाल देखे टूटा हुआ था, तो फिर सोचे कि ये क्यों टूटा है। फिर इसके बाद जैसे अंदर आए तो देखने को इतनी ज़्यादा मतलब मात्रा में टूटी। तभी हम आपको दिखाते हैं क्या कैसे कैसे टूटा है। और बंसूरा एक तरफ से पूरा तोड़े हैं और फिर इसके बाद खा डाले हैं बहुत ज़्यादा दूर में, मतलब लगभग एक एक 1.5 क्विंटल तक बाल पूरा ख़त्म कर दिए हैं। दिखाते हैं हम आपको जो देख सकते हैं नीचे नीचे पूरा बंसूरा आके पूरा रात में सब ख़त्म कर दिए हैं। इतना देख सकते हैं, इधर आके दिखाएं सब पूरा एकदम बाल उतारे हैं। देख सकते हैं आपके सामने खुद ही दिख रहा है आपको, देख सकते हैं किस तरह से खाए हुए हैं सब। उधर आंटी जी बीन बीन के सब बांध रही हैं उसे, पूरा इधर से लेके इधर तक पूरा उधर बहुत सारा बाल पूरा। अभी आगे भी दिखाते हैं अंदर चल के, देख सकते हैं उधर से पूरा कितना किस तरीके से खा के पूरा कितना मेहनत करके हम लोग बोते हैं। फिर इसके बाद देखिए देखिए किस तरह से खाएँ यहाँ पे ये सब। अभी इधर भी हैं दिखाते हैं, देख सकते हैं पूरा हमें लगता है पूरा खेत में ही पूरा पूरा चर के देख सकते हैं किस तरह से पूरा खाए हुए हैं सब। पूरा तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के पूरा पेड़ भी तोड़ दिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह चबा चबा के पूरा देख सकते हैं किस तरह से खाए हुए हैं, पूरा सत्यानाश कर दिए हैं। देख सकते हैं लगभग 1 क्विंटल से ज़्यादा बाल आज का। ये दूसरे पेड़ का है, मतलब दूसरे खेत में का है, जो देख सकते हैं इसमें बाल पड़ा हुआ है। किस तरीके से सब लोग खा डाले हैं अंदर तक पूरे खेत में, दिखा दें आपको। इधर आगे भी दिखाते हैं, देखिए इधर देखिए सब पूरा यहाँ पे भी सब तोड़ तोड़ के सब गिरा दिए हैं। उसका देखिए खुर, देखिए जो आया है बंसूरा खुर, देख सकते हैं उसका पैर इधर, देखिए उसका पैर पड़ा है इधर 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 सब पूरा। देखिए इधर उसका पैर दिन में नहीं दिखाई देंगे, जो रात में आते हैं फिर इसके बाद सब सत्यानाश करके चले जाते हैं। देखिए आपके सामने सब कुछ ये पड़ा है सब एकदम। तो आने के बाद यहाँ पता चला, देख सकते हैं इधर कितना ज़्यादा खाया है जहाँ चाची बांध रही हैं। देख सकते हैं इधर सब पूरा, देखिए किस तरह से खाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कई ठो हैं, एक ठो नहीं कई ठो। देखिए पूरा इतने दूर का पूरा खेत ख़त्म कर दिए, 10-12 ठो ना इधर 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 चारों तरफ जितने मतलब आस पास में बाल है पूरा ख़त्म कर दिए। इधर बीच में ज़्यादा ख़त्म करिए। क्या हुआ? हाँ जो मोटा मोटा है उसे तोड़ के कल मंडी लेके चला जाए, फिर नहीं तो ये भी सब पूरा ख़त्म कर देंगे। देख सकते हैं इधर इतना अच्छा अच्छा बाल हुआ है, सब पूरा ख़त्म कर देंगे, पूरा मेहनत डांड हो जाएगा। उठाएं तो गाइस आपको तो मैंने दिखा दिया कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम लोग किसान लोग इतना ज़्यादा मेहनत करके सब बोते हैं, सब इतना दिन रात एक करके खेतों में अपना सब ये सब लगाते हैं, लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है, बेजुबान जानवर आके ख़त्म कर देते हैं। उनको कुछ कह भी नहीं सकते, वो सुनते हैं नहीं, तो उनके लिए रोकने के लिए सब बांस वगैरह अभी लगाया जाएगा। अंकल जी मतलब साइड साइड लगाएंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर एक मैडा बना के रहने के लिए भी अंकल जी आज बनाएंगे, यहीं पर रहेंगे रातों में क्योंकि उसको देखने के लिए, ताकि वो नुकसान न कर पाएँ। तो गाइस इस वीडियो को आप बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर